आत्मदान करीन, कारण की इतक्या मोठ्या विषयात जे 100 फ्लॅट माझ्यावर विश्वास करून कोर्टात जाऊन सोसायटीचा खर्च मी करायला लावलाय ना, तो माझा मान आहे. आणि जर मान मी पूर्ण करू शकत नसेल तर मला जगण्याचा अधिकार नाही. मी तुम्हाला आता चॅलेंज करतो. हा पत्र गेले 60 दिवस हा पत्र गेले 60 दिवस माहितीच्या अधिकारी खाली त्यांना आम्ही बोलतोय. अनधिकृत होर्डिंग लागलेले आहेत. काय कारवाई केली? आता विजय अपेक्षा काय? विजय किणीला फोन कर. मला गेले एक महिना, आज देतो उद्या देतो, मी त्याला काय बोललो? अनधिकृत काय ते बोल. मला जिथे पत्रव्यवहार करायचा, अरे तुम्हाला सगळं माहित असतं. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब. मैं हूं युसुफ अली, आप देख रहे हैं एसएफ न्यूज़ लाइव. आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर. दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वसई विरार महानगर पालिका कितने आंदोलन होंगे. इस वसई विरार महानगर पालिका में अब तक कितने हो चुके हैं? शायद ही महानगर पालिका के पास ही उसकी गिनती होगी, हमारे पास तो नहीं है. लेकिन आज एक और नया आंदोलन नहीं बल्कि यहाँ आमरण उपोषण. लोग अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं सामाजिक कामों के लिए, लेकिन महानगर पालिका को फर्क नहीं पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई मरे या किसी के साथ कुछ भी हो. इस समय हमारे साथ यहाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के नालासोपारा शहर उपाध्यक्ष संजय मेहरा जी है, जो अपनी कुछ मांगों को लेकर महानगर पालिका कार्यालय के बाहर आमरण उपोषण पे बैठे हुए. उनके साथ में इनके पदाधिकारी और भी 4 लोग हैं. क्या इनकी मांगे हैं, इनसे सीधा मुलाकात करते हैं, सीधा बात करते हैं. संजय जी नमस्कार. नमस्कार सर. संजय जी, क्या विषय है, आपने ये इतना कड़क निर्णय लिया आमरण उपोषण के लिए आप बैठे हुए हैं? सर, ये निर्णय लेना पड़ा क्योंकि गए 5 साल से जितने भी अपने शहर के लोगों के विषय है, फिर वो आरक्षित भूखंड सबसे बड़ा मेरा विषय है. आरक्षित भूखंड जिसे कहते हैं रिजर्वेशन प्लॉट, जो कि स्कूल्स, ग्राउंड, गार्डन, जिस पे अधिकार वहाँ पे रहने वाले लोगों का होता है. मगर जब मैंने उसकी जानकारी लेना शुरू किया तो मुझे ऐसा पता चला कि जितने भी रिजर्वेशन प्लॉट्स हैं वो ये लोगों ने किसी ना किसी को दे दिए हुए नहीं बोल सकता हूँ, कब्जा किया है, मगर इनका ध्यान नहीं है. और जब मैंने ये कहा कि वो आरक्षित भूखंड है, जो कि आप आज भी मुझे बता रहे हैं कि वो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल होनी चाहिए, यहाँ पर कॉलेजेस होने चाहिए, यहाँ पर ग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पर गार्डन होना चाहिए, तो वो अधिकार हमारे लोगों का है, हमारे मतलब यहाँ पर रहने वाले लोगों का, तो वो आप किसी और को नहीं दे सकते. ये प्रश्न जब मैंने इसे किया है, ये 5 साल से मैं कर रहा हूँ, ये हो गई एक बात. उसके बाद यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स खड़ी हो रही है बड़ी बड़ी, लोगों को क्या लगता है कि तो बिल्डिंग खड़ी हो गई तो ये लीगल है. अब जो खरीददार है, जो 30-40 लाख का फ्लैट खरीदता है, वो तो पेपर पढ़ने जाता नहीं है. आप किसी को भी पेपर दिखा दोगे तो वो नहीं बता सकता है कि ये लीगल है या नहीं लीगल है. उसमें सीसी खोटी लगाई जाती है, झूठी लगाई जाती है. उसके बाद में 7 माले की सीसी होगी तो उसको 14-12-15 माला बना रहे. आज यशवंत गौरव में इतनी बड़ी शहर बस गया है बोल सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग को ओसी नहीं है और ओसी के बिना पानी आ रहा है. ठीक है, पानी मूलभूत सुविधा है, वो आप दे रहे हैं, उसके लिए तो मैं भी बोलूंगा नहीं, ठीक है, मगर कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार है. तो ये पूरा शहर भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है और उसकी पूरी जवाबदारी महानगर पालिका के है, क्योंकि उनका ही अधिकार है इसे रोकने का. उसी के लिए मैंने उनको बार बार 5 साल से बोल रहा हूँ, मगर नहीं, उनको लगता है कि ये भी बाकी राजनीतिक पार्टी के जैसा कार्यकर्ता है, ये भी थक जाएगा और हट जाएगा रास्ते से, मगर उन्हें थोड़ा इस बार भारी पड़ेगा. अमूमन मन से जो है वो एक तीव्र रूप में अपना प्रतिक्रिया देती है, लेकिन आप यहाँ बैठे और आमरण उपोषण के लिए, इसकी क्या वजह है? सर, क्या होता है ना कि बच्चा जब बड़ा होता है ना तो उसकी भी अवस्था उम्र के साथ अलग अलग होती है. तो मन से पहले जब आई थी सब हम लोग में सब में जोश था, जब उस तरह की भाषा हो जाती, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट और वैसे मिले भी है. मगर अब कुछ समय के बाद ऐसा है कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता, मेरे जितने भी पदाधिकारी है, वो थोड़े एजुकेटेड भी है और थोड़े वर्किंग भी, अच्छे अच्छी पोस्ट पे सभी काम करते हैं. और हम लोगों ने वो निर्णय इसीलिए नहीं लिया क्योंकि तोड़फोड़ करने के बाद में
कार्रवाई कर्मचारियों पे नहीं होती, आपको भी पता है, कार्रवाई कार्यकर्ता पे होती है, चाहे वो कितने भी अच्छा काम करे। एक सीधा उदाहरण, जब हम लोगों ने सबसे पहली बार जब परप्रांतियों को मारा था, ऐसा लोग बोलते हैं, तो वो मारा नहीं था, हम लोगों ने हमारे अधिकार के बारे में बात की थी, और वो पत्र व्यवहार करने के बाद में भी जब परप्रांतीय यहाँ पर आके वो रेलवे की एग्जाम दे रहे थे तो उसका अप्रोच हमने किया था, और फिर भी जब आ रहे थे तो हमने किया था। और यहाँ पर ऐसा है कि हमने भी सब प्रकार से इनको निवेदन दिए, पत्र व्यवहार किया, आंदोलन भी किया, और वैसा ही हुआ, पुलिस आई, हम पे कार्रवाई हुई, हमको नोटिस दिए गए। नोटिस के बाद उन्होंने हमको विनंती की कि आपके जितने भी विषय उस पर कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हुई नहीं। फिर हमने ठिया आंदोलन किया, फिर हमको आश्वासन दिया, फिर कार्रवाई, फिर हमने सबने या एक, मैं इनका मुखिया होने के कारण मैंने ये किया कि अब ये कोई मानने वाले नहीं है, तो हमारे अधिकार में क्या होता है कि हम या लड़े या तो मरे, तो लड़ना तो जारी है। अब ये चाहते हैं कि अमर अनुपोषण करके मरना है, तो फिर हम लोगों के लिए मर भी जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था, जब वसई राम महानगर पालिका मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयुक्त ये ऐसा एक वक्तव्य दे रहे थे कि कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी हो, पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, या आरटीआई एक्टिविस्ट, अगर उनके अनाधिकृत बांधकाम में वो लिप्त पाए गए या अनाधिकृत गतिविधियों में पाए गए, तो उनको हमारा सहायक आयुक्त नोटिस देगा, उपायुक्त नोटिस देंगे। तो उनको एक पत्रकार ने, बल्कि मैंने ये सवाल किया कि सर, अगर सहायक आयुक्त का अगर इल्लीगल है तो उसको नोटिस कौन देगा? तब आयुक्त ने बड़ी ही बेशर्मी से यह कहा कि मैं बिना देखे बोल सकता हूँ तुम्हारा इल्लीगल है। तो इस वक्त पे क्या कहना चाहेंगे सर? कैसा है ना कि बोलने और करने में फर्क होता है, ठीक है। अब ये मैंने बोला ना आपको कि मैं 5 साल से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ उसी विषय पर, तो उस पर हुआ नहीं है। मैं आपको, आपने मेरे लेटर्स के सारे लगता है मुझे फोटो लिए हैं, तो मैंने ना सहायक आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, फिर एडिशनल कमिश्नर, उसके बाद कमिश्नर, यहाँ तक कि मंत्रालय, तो जो भी संविधानिक तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो संविधान के तौर पर जितने भी स्टेप थे वो मैंने लिए हैं। और आपने जो कहा कि मनसे का ये स्टाइल नहीं है, तो अगर मेरी सामर अनुपोषण से भी कोई रिजल्ट नहीं आता है ना, तो फिर मनसे ने जो स्टाइल नहीं की होगी ना, वो स्टाइल आपको यहाँ पर देखने को यकीनन मिलेगी। आयुक्त ने जो वक्तव्य दिया था उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर, आयुक्त ने आज तक है ना, सिर्फ आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि हाँ के सिवा कुछ नहीं किया है, और सिर्फ मुंह से ही किया हुआ है। कितने लोग आंदोलन आपने जैसे किया, कितने अनगिनत आंदोलन हुए हैं, और आयुक्त जो बोल रहे हैं ना, तो आपको मैं बताऊं कि मेरे विषय में अब तक सात सेवन सहायक आयुक्त की बदलियां यहाँ से हो चुकी है। बदलियां नहीं कहूंगा मैं, तो कहता हूँ इनको टर्मिनेट कर देना चाहिए, मगर वैसा कुछ नहीं होता है। हाल ही में गिलसन गोंजालवेस, मनसे का आंदोलन अविनाश जी यादव साहब ने हमने किया था, तो उस टाइम आयुक्त नहीं थे वहां पर, जवाब देने के लिए नहीं थे, वहां पर एब्सेंट थे। फिर कुछ हमारे जैसे पदाधिकारी उनके घर गए थे, ये आपको याद होगा, आपने कवर किया था। वहां से क्या हुआ, आदेश निकला 7 बजे, गिलसन गोंजालवेस को वहां से उनको बर्खास्त करते हैं। हुआ क्या, मुख्यालय में लाके बिठा दिया उनको। बोलने करने में फर्क होता, अगर इनके करने में वो बात होती ना, तो हमको यहाँ पर धरना आंदोलन या अमर अनुपोषण करना नहीं पड़ता। अच्छा, आज आप सुबह से बैठे हुए हो, अभी हम जब यहाँ थे तब हमने देखा है कि यहाँ उपायुक्त आके गए, उनसे आपकी क्या चर्चा हुई और उसमें क्या कुछ निकल के आया? सर, वो हमें ये कह रहे थे कि आपके जितने भी विषय हैं, आप अभी अपना अमर अनुपोषण खत्म करिए, और कल शाम को 4 बजे आपके सारे विषयों पर हम सारे ही डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर, इंजीनियर्स को बुलाकर, आयुक्तों को बुलाकर, हम इस बारे में आपको सोल्यूशन देंगे। तो मैंने उनको यही कहा कि हम सुबह से लेकर अब तक बैठे हैं, और आप अब आ रहे हो करीबन 10 घंटे बाद, तो आपको उस चीज़ का इतना मतलब गंभीरता नहीं है। तो मैंने उनको यही कहा कि अगर आप हमको 4 बजे सोल्यूशन देने वाले हो, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं और आने वाले 16 घंटे यहाँ पर बैठने के साथ साथ उपोषण करने की ताकत रखता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है, तो वो मेरे को कहने लगे कि नहीं, हमें आपकी फिक्र है, आप अच्छे कार्यकर्ता हो, आपका हमें हमेशा सहयोग रहता है, तो वही सहयोग की अपेक्षा मैंने भी उनसे की हुई है। तो अगर आपको इतना ही मेरा ख्याल है या चिंता है, तो आप आपके जितने भी इमरजेंसी, बोल रहे थे कुछ 7:30-8 बजे मेरी एक मीटिंग है,
तो आप उसको निपटा के फिर आ जाइए, सारे इंजीनियर्स को बुला लीजिए अगर इतनी चिंता है, नहीं तो फिर आप जब आएंगे जब बात करेंगे, पर हमारे लोकेशन जब तक सोल्यूशन आता नहीं है जारी रहेगा। एक अंतिम सवाल, आपके जो मुद्दे है उसमें एक मुद्दा ऐसा है जो खुद आपकी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, और उसमें ऐसा हमने सुना है कि आपने वो मुद्दा उठाया क्योंकि इल्लीगल वहां पर गतिविधियां हो रही है, इसके लिए बिल्डिंग आपको उसमें प्रेशराइज कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, क्या विषय? सर कैसे, मैं वहां का रहवासी हूँ, तब से बिल्डिंग बनी तब से, तो वहाँ की एक एक ईंट एक एक इंच जो कुछ भी हुआ मुझे सारा पता है, और मुझे कहीं ना कहीं मैं राजनीति बैकग्राउंड का ही व्यक्ति हूँ, तो मुझे पता था कि ये होने ही वाला है, तो इनको शायद खबर नहीं थी कि मैं कब से इस पर काम कर रहा हूँ, तो इनको ऐसा लगा कि भाई हम कुछ भी कर लेंगे, किसी को भी मिला के कर लेंगे, हो जाएगा। मगर कैसा होता है कि एक चोर को चोर का साथ मिलेगा तो ही चोरी हो सकती है, तो वैसा ही है, वहाँ की जो सोसाइटी नई कमेटी है वो सारी उसके साथ मिली हुई है, और वो उसको लीगलाइज करके उसके हाथों में सौंपना चाहती है। और अभी मेरा मुद्दा ऐसा हुआ है कि मैंने एक बड़ी प्रॉपर्टी ली है, तो मेरे को इनके साथ रहना भी नहीं है, क्योंकि झूठे लोगों के साथ मैं कभी रहा नहीं और मुझे बर्दाश्त भी नहीं होता है, और बार बार उन्हीं का मुंह देखना और उनके मुताबिक चलना मुझे पसंद नहीं था, तो उनको मारने में भी मेरे पे केस है, मगर वो केस में कोई तथ्य नहीं था, तो प्राइवेट केस उनका अधिकार था, उन्होंने किया हुआ, तो वो एक चल ही रहा है। मगर कायदे से अभी मैंने वो फ्लैट बेचा हुआ है, तो जिसने खरीदा है हमारे व्यवहार को पूरा करने के लिए उसको लोन लेना है, तो उसको बैंक के लिए एनओसी चाहिए, तो बैंक एनओसी देने के लिए मुझको सोसाइटी लिख के देती है कि आप 9A के संदर्भ में किसी तरह की कार्रवाई करेंगे नहीं, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो भी कागजात आपके पास है उस संबंधित में वो आप हमें जमा कर लीजिए, तो ये तो कोई अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि उसका और उससे कोई संबंध नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये शंका उपस्थित होती है कि ये सारे लोग मिले हुए हैं, अगर उनको वही मैटर सॉल्व करना है, और ब्लैकमेल करने से क्या होता है सर, अगर मैं सच की राह पे चल रहा हूँ तो इतने काफी लोग आके जा चुके हैं, और मैंने कल ही रजिस्ट्रार ऑफिस में उस के संदर्भ में एक आदेश लेकर आया हूँ, वो उनको मैंने देने की कोशिश कर की, उन्होंने उसको भी नकार दिया, मेरे को बोला आप उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, तो कायदे के रास्ते से मैंने उसको स्पीड पोस्ट कर दिया है, उनका अधिकार है, वो कल फिर मेरे को डिनाई कर सकते हैं, फिर मैं उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर करना पड़ेगा, देर लगेगी मगर सच हारता नहीं है, थोड़ा देर से जरूर आता है। नहीं, ये तो वही बात हो गई ना, आपका और उनका निजी मामला है, आपने जो उठाया उनका इलीगल बांधकाम, लेकिन अभी आपने जिसको बेचा है उनका जो मूलभूत संवैधानिक अधिकार है उसको वो लोग टर्मिनेट कर रहे हैं, उनको इसका क्या अधिकार है? सर कैसा है ना कि कायदा है ना हमारे यहाँ पर, बाबा साहब ने जब बनाया था ना तो उनको भी पता नहीं था कि आगे जाके इसका इस तरह से खेल होगा। अगर मैं ये मानता हूँ आज भी बाबा साहब, अगर बाबा साहब अम्बेडकर अगर होते तो उनको काफी दुख होता कि ये संविधान मैंने इन लोगों के लिए बनाया है, बहुत दुख होता है मुझे कभी कभी, मगर मैं उनको बड़े तहे दिल से मानता हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे इतना पता है कि अगर आप सच्चाई से किसी भी चीज के लिए लड़ाई करोगे और कायदे से लड़ोगे ना, तो यहाँ नहीं वहां जरूर कोई ना कोई बैठा है जो कायदे से चलता है, होगा जरूर, थोड़ी देर होगी, और कहीं भी वो जो व्यक्ति जिससे मैंने व्यवहार किया वो भी जानता है कि संजय मेरा क्या व्यक्ति है, और वो भी निश्चिंत है और मैं भी निश्चिंत हूँ, तो सच की जीत होगी यहाँ भी और वहां भी, कोई इशू नहीं। तो हमने अभी मुलाकात की संजय मेरा से, पूरा हाल आपको दिखाया कि क्या कुछ चल रहा है, और जो संजय मेरा ने अभी जो बताया जिस तरह इनके निजी मामले को लेकर इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में या वसई विरार में कायदे की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती है, कानून की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती है, इसका यह नमूना है। फिलहाल संजय मेरा अपने मुद्दे पर ठाम है, यहाँ आमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं, अब ये देखा जाएगा कि इनकी महानगर पालिका कब फिक्र करती है कि ये 5 लोग जो कि ये घोषणा कर चुके हैं कि जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं, या कि कार्यवाही होगी तो हम हटेंगे, तो अब इनको यहाँ से कब महानगर पालिका एक मध्यस्थ रास्ता निकाल के इनको हटाएगी, ये देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही, वसई नाला सुपारा से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर